दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। चुनाव से पहले अपने यहाँ पार्टियां फ्री बिजली, पानी, टीवी से लेकर वैक्सीन तक की चुनावी रेवड़ियां बांटती हैं। लेकिन बीजेपी के एक मंत्री तो कतई इनोवेटिव हो गए, चालान फ्री सुना है कहीं? दोस्तों, बीजेपी की डबल इंजन की गुजरात सरकार के गृह मंत्री ने 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक के त्योहारी सीजन में ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़े गए लोगों को जुर्माना फ्री कर दिया है। जी हाँ, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि गुजरात ट्रैफिक पुलिस 21 से 27 अक्टूबर तक किसी भी आदमी का चालान नहीं काटेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये पब्लिक को ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना है, बस अगर किसी ने 21 से 27 तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उसका चालान नहीं कटेगा। पुलिस उन्हें फूल देकर उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाएगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बाइक हो या कार, हेलमेट या सीट बेल्ट आदमी तभी लगाता है जब उसे लगता है कि यार चालान हो जाएगा। अपनी सुरक्षा का डर नहीं होता आदमी को यहाँ। दूसरी बात ये कि नियम नियम होता है। दिवाली हो या होली, क्या केवल त्योहार के लिए आप किसी एक राज्य को, मात्र एक राज्य को कुछ दिनों के लिए चालान फ्री कर सकते हैं? किस तरह के नियमावली है? नियम भी त्योहारों के हिसाब से तय होंगे क्या? और चालान तो राजस्व का भी एक जरिया होता है ना सरकार के लिए, क्या सरकार उसकी भी बलि देने को तैयार है, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए? बाय द वे, दीपावली तो बस एक बहाना है। सच तो ये है कि अगले 2 महीने में गुजरात में चुनाव होने हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि दीपावली तो हर साल आती है लेकिन चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं ना। बताइए, एक तरफ पीएम मोदी चुनाव में फ्री रेवड़ी कल्चर पर लगातार अटैक करते रहते हैं, उसका विरोध करते रहते हैं, और अब खुद उन्हीं के राज्य के, गुजरात के गृह मंत्री 7 दिन के लिए पूरे राज्य को चालान फ्री कर रहे हैं। आपको क्या ये नियम सही लगता है? क्या ये कानून के साथ मजाक नहीं है? जब मन चाहा चालान लगा दिया, जब मन चाहा चालान फ्री कर दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।